नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के ऊपर से बैन हट गया है। बता दें कि हार्दिक पांड्या को करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में महिलाओं पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में बैन कर दिया गया था। इस वजह से वो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध वनडे सीरीज से बाहर हो गए और न्यूजीलैंड के विरुद्ध वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भी टीम के साथ नहीं जुड़ सके। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले से पहले ही हार्दिक पांड्या के ऊपर से बैन हट गया था। बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या को न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टीम के साथ जुड़ने के लिए आदेश दे दिया है। विजय शंकर ने दूसरे वनडे में 2 ओवर किए थे, लेकिन वो अपने इन 2 ओवर में 17 रन खर्च कर बैठे। ऐसे में विजय शंकर की जगह तीसरे वनडे में हार्दिक पांड्या को टीम में शामिल किया जा सकता है। वहीं कप्तान विराट कोहली ने बताया था कि अगर हार्दिक पांड्या टीम के साथ होते हैं तो हमारी गेंदबाजी काफी मजबूत हो जाती है। अगले मैच में हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। वहीं केएल राहुल को इंडिया ए के साथ जोड़ा गया है। क्रिकेट से बैन हटने के बाद हार्दिक पांड्या के प्रशंसक काफी खुश हैं, जबकि हार्दिक पांड्या ने अपने बयान में कहा कि मुझे इस बात से काफी खुशी हुई है कि आप लोगों ने मुझे समझा। इस घटना के बाद से मैं बहुत परेशान था, लेकिन अब मैं फिर से उसी जोश और उत्साह के साथ भारत के लिए खेलूंगा। पांड्या ने आगे कहा कि मैंने जो बयान दिया उसके बारे में मुझे अब कोई बात नहीं करनी है। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और पिछली बातों को भूलना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि इसमें आप लोग मेरा साथ देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या के टीम में वापस आने से खुश हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और क्रिकेट जगत की हर ताजा खबर के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक7 यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।